कैपेसिटर को चार्ज करने के दौरान एनर्जी का लॉस होता है, उसको यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे और जो भी पॉसिबल केसेस होंगे उसको यहाँ पर हम क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। तो मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है और आपको इसे चार्ज करना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे? आप इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे। जब भी आप ऐसा करोगे तो इस पे कुछ चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पे, और चार्ज स्टोर होने के कारण कैपेसिटर में कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। लेट अस कॉल इट यू। यू बता रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। इसको आप डेल्टा यू से भी कहीं कहीं रिप्रेजेंट करिए। देखिए, जब चार्ज इस कैपेसिटर पे आएगा तो इस कनेक्टिंग वायर से फ्लो होगा, और आपको पता है कि कनेक्टिंग वायर हैज़ ए रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस से अगर चार्ज फ्लो कर रहा है तो देयर विल बी करंट, और डेट इज़ वाई करंट के फ्लो होने से रेजिस्टर में कुछ हीट लॉस होगा। तो मान लीजिए इस रेजिस्टर से, इस कनेक्टिंग वायर से हीट लॉस को हम एच से डिनोट कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ और यहाँ पर एनर्जी स्टोर हुआ कैपेसिटर में, और एनर्जी देने का काम कौन करेगा? तो देने का काम करेगा यहाँ पर बैटरी। किसी भी सर्किट को एनर्जी देने का काम करता है बैटरी। तो मान लीजिए बैटरी कितना एनर्जी देगा, तो जितना बैटरी वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है? तो इट इज़ इक्वल टू चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान दीजिएगा, ये क्यू जो है, इट इज़ चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी एंड नॉट चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं। देखिए, एनर्जी कितना मिला इस सर्किट को? तो डब्लू, डब्लू इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन। इसका कुछ पार्ट चला गया हीट लॉस में और कुछ पार्ट चला गया पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड में, कैपेसिटर में, जिसको आप डेल्टा यू से रिप्रेजेंट करिए। तो यहाँ पर हमने एनर्जी कंजर्वेशन कर दिया, तो हम क्या चाहते हैं, यहाँ पर हीट लॉस कितना हुआ वो हम निकालना चाहते हैं। तो हीट लॉस जो होगा वो होगा W माइनस डेल्टा यू, वर्क डन बाय बैटरी माइनस एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, जो एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा। डेल्टा यू मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है कि अगर पहले से एनर्जी कुछ कैपेसिटर में स्टोर्ड होगा, फॉर एग्जांपल कैपेसिटर पहले से ही चार्ज होगा, तो उस केस में आपको डेल्टा यू लेना होगा, चेंज इन एनर्जी लेना होगा, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना होगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स के द्वारा। इसे कुछ केसेस होते हैं, एक एक करके केसेस को हम डिस्कस करते हैं। पहला केस, अनचार्ज्ड कैपेसिटर। तो एक अनचार्ज्ड कैपेसिटर है, सपोज दिस इज अनचार्ज्ड कैपेसिटर। इसको बैटरी, इसकी कैपेसिटेंस कुछ मान लीजिए सी, इसको वी वोल्ट के बैटरी से आप कनेक्ट कर दीजिए थ्रू ए स्विच। आप जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करेंगे इस कैपेसिटर से, इस पे चार्ज आ जाएगा, और ये चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर इंटू कैपेसिटेंस, इतना चार्ज स्टोर होगा। तो ये चार्ज कहाँ से आएगा? ये चार्ज इस बैटरी से पास होकर आएगा, बैटरी सप्लाई करेगा इस चार्ज को, और बैटरी जब सप्लाई करेगा तो बैटरी वर्क करेगा। तो बैटरी का जो वर्क होगा यहाँ पर, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू चार्ज सप्लाई, चार्ज सप्लाइड इज क्यू इंटू, मान लीजिए क्यू सप्लाई किया, इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी। क्यू यहाँ पर कितना है, सी वी इंटू वी इक्वल्स टू सी वी स्क्वायर। इतनी एनर्जी बैटरी ने इस सर्किट को दिया, और आपको पता है इस केस में
पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो जाएगा, यू का जो वैल्यू मिलेगा आपको यू इज हाफ सी वी स्क्वायर। हीट लॉस की बात करते हैं, कितना हीट लॉस हुआ, हीट लॉस इज वर्क डन सी वी स्क्वायर माइनस हाफ सी वी स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। देखिए इतनी एनर्जी का लॉस हो गया, हाफ एनर्जी जितना वर्क किया, वर्क कितना किया सी वी स्क्वायर, उसकी आधी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर हुआ और आधी एनर्जी इस कनेक्टिंग वायर में हीट के फॉर्म में लॉस हो गया इस केस में। आइए अब हम और भी केसेस देखते हैं जिसमें कि एक केस लेते हैं जिसमें कि कैपेसिटर पहले से ही चार्ज्ड। फॉर एग्जांपल यहीं पर आप बैटरी से अब डिस्कनेक्ट कर दीजिए, इसके पास चार्ज कितना ऑलरेडी स्टोर्ड हो गया है सी वी, यही कैपेसिटर लेते हैं। तो इनिशियली क्या है आपके पास, तो वी आर गोइंग टू सी सेकेंड केस, केस टू हियर, कैपेसिटर इज ऑलरेडी चार्ज्ड, ऑलरेडी चार्ज्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर तो यही वाला कैपेसिटर ले लेते हैं जिसपे चार्ज कितना है इनिशियली, तो दिस इज इनिशियली चार्ज सी वी, तो इसमें एनर्जी कितनी स्टोर्ड है इनिशियली हाफ सी वी स्क्वायर, इतना एनर्जी इसमें पहले से ही मौजूद है। इसको दूसरे बैटरी से, एक पावरफुल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 वोल्ट का बैटरी ले लीजिए, 2V का, या फिर 3V का ले लीजिए, जो भी मानो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 3V वोल्ट का बैटरी से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसके पास पहले से चार्ज कितना था CV, इसका कैपेसिटेंस C। द मोमेंट आप इससे कनेक्ट करेंगे इस बैटरी से इस कैपेसिटर को, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, तो चार्ज इज सिंपली कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3V, तो इस पे जो चार्ज आ जाएगा वो हो जाएगा 3CV। नाउ अब इस पे चार्ज आ गया 3CV, पहले से मौजूद कितना था CV, तो दोनों में डिफरेंस कितना है 3CV माइनस CV, मतलब बैटरी जो चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर करेगा वो करेगा 3CV माइनस CV, और वो कितना हो जाएगा 2CV। यहाँ पर बैटरी का वर्क निकालते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल्स टू चार्ज ट्रांसफर 2CV इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी 6CV स्क्वायर। बैटरी ने कितना वर्क किया 6CV स्क्वायर। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, डेल्टा यू, यू एफ माइनस यू आई, क्योंकि देखिए यहां पर तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी पहले से ही मौजूद था, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ सी, फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है कैपेसिटर के अक्रॉस, तो 3V, तो यहां पर 3V का स्क्वायर कर देंगे हम, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो हाफ CV स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा आपका 3 स्क्वायर 9/2, और डेट विल बी इक्वल्स टू 8 CV स्क्वायर 8/2 CV स्क्वायर इक्वल्स टू 4 CV स्क्वायर। तो देखिए आपने निकाल लिया चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितना हो गया 4 CV स्क्वायर। इस केस में हीट लॉस कितना होगा, लेट अस कैलकुलेट, हीट लॉस इज इक्वल टू वर्क डन, वर्क डन कितना है 6 CV स्क्वायर इक्वल्स टू 2 CV स्क्वायर। इस केस में हीट लॉस 2 CV स्क्वायर आएगा। आइए एक और केस देखते हैं, केस थर्ड को कंसीडर करते हैं
जिसमें कि हम बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर देंगे, केस थ्री। मान लीजिए कि आपके पास कैपेसिटर था और उसके पास ऑलरेडी चार्ज सी भी था और इस पे पॉजिटिव था चार्ज और इस पे था माइनस सी भी इस प्लेट पर। मतलब इस कैपेसिटर को जिसका कैपेसिटेंस सी था आपने इस तरह से चार्ज किया था कि लेफ्ट वाले प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज था और राइट वाले प्लेट पर माइनस सी वी चार्ज था। अब आप इसको बैटरी से इसकी पोलर इस बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स कर दीजिए। पहले बैटरी का पोलैरिटी कुछ इस तरह से था। अब आप इसको इस तरह से कर दीजिए, इस चार्ज्ड कैपेसिटर को पोलैरिटी को रिवर्स कीजिए। इसके पास पहले से इस प्लेट पर पॉजिटिव प्लस सी वी चार्ज था और इस पे माइनस सी वी पहले से था। द मोमेंट आप पोलैरिटी को रिवर्स कीजिएगा, बैटरी का पोटेंशियल कितना था वी, यहाँ पर भी था, सेम बैटरी है, बैटरी की पोलैरिटी को आपने रिवर्स किया है। जैसे ही आप इसको कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ, तो फिर अब इस पर पॉजिटिव प्लस सी वी चार्ज आ जाएगा और इस पे आ जाएगा माइनस सी वी। तो इसमें इसके लिए बैटरी को कितना चार्ज सप्लाई करना पड़ेगा ये आपको पता करना होगा। तो बैटरी से कितना चार्ज, तो देखिए इस प्लेट पर पहले माइनस सी वी था इनिशियली, और आपने जैसे ही बैटरी के पोलैरिटी को रिवर्स किया तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, अब इस प्लेट पर प्लस सी वी आ जाएगा। तो चेंज इन चार्ज कितना हुआ, इसका मतलब है कि बैटरी ने कितना चार्ज सप्लाई किया होगा, टू सी वी, दैट इज सी वी प्लस सी वी माइनस ऑफ माइनस सी वी, इतना चार्ज भेजेगा तभी तो इस पे प्लस सी वी आएगा। देखिए एक एक प्लस सी वी जाएगा इस बैटरी से, तो फिर वो इसको चार्ज को यहाँ पर जीरो करेगा, माइनस सी वी से जीरो होगा। एक और सी वी जाएगा तो फिर इस पे चार्ज कितना आएगा, प्लस सी वी आएगा। तो फिर बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई हुआ इस केस में, प्लस टू सी वी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी इज चार्ज सप्लाइड टू सी वी, चार्ज सप्लाइड इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी। ये वर्क डन बाय द बैटरी, बैटरी इतना वर्क करेगा। इसके बाद लेट अस टॉक अबाउट द पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड थी, यू आई इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर। अब यहां पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां भी पोटेंशियल एनर्जी विल बी हाफ कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी दिस विल बी द यू एफ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसा कि देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी में इस केस में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो फिर यहाँ पर हीट लॉस जो होगा, हीट लॉस इक्वल्स टू टू सी वी स्क्वायर माइनस जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैसे आया, तो हाफ सी वी स्क्वायर फाइनल माइनस इनिशियल इज ऑल्सो हाफ सी वी स्क्वायर। तो दिस इज द हीट लॉस्ट ड्यूरिंग चार्जिंग, बल्कि पोलैरिटी चेंज करने में जो हीट लॉस हो रहा है वो कितना है, टू सी वी स्क्वायर।